दमनगर के असाटीवाड़ क्षेत्र के निवासी शैलेंद्र अवस्थी को 25 मई को गोली लगने के मामले में पुलिस जांच के बाद एसपी राकेश कुमार सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में जिस स्थल पर घटना बताई गई थी वहां घटित घटना नहीं हुई थी, बल्कि यह गोली शैलेंद्र को उसके खुद के घर में लगी थी। यह गोली शैलेंद्र के विरोधियों ने नहीं बल्कि उसके साथियों ने ही मारी थी। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शैलेंद्र के घर से पुलिस को जहां अनेक हथियार मिले हैं वहीं गांजा भी भारी मात्रा में मिला है। कहा जा सकता है कि दूसरे को फंसाने के चक्कर में शैलेंद्र खुद जाल में पुलिस के फंस गए। जैसा आपको मालूम है कि ये घटना 25 तारीख की है और ये घटना शहर में घटी थी, गंभीर घटना थी। इस घटना का खुलासा का जो सबसे प्रमुख तत्व यह है कि घटना में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्थल होता है, तो घटना स्थल पर गई जब पुलिस, तो पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उस घटना उक्त स्थान पर घटी है। कोई ना व्यक्ति बताने को तैयार, जो वहाँ मौजूद लोग भी इन्होंने हर तरह से इनकार किया। तब इसमें ये तय हुआ कि अब इसमें जो भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनसे बात किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी जिसको गोली लगी थी, वह व्यक्ति अपने रिफर हो गया था चोटों के कारण, क्योंकि उसके अंदर शरीर के अंदर जो गोली लगी थी फंसी रह गई। इसमें जब ये जाँच की गई तो पाया गया कि इस घटना में टोटल 4 पात्र हैं, रवि प्रजापति, शैलेंद्र अवस्थी और जितेंद्र अवस्थी और निमेश ठाकुर, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि और जितेंद्र अवस्थी को गिरफ्तार किया है। तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यह जो गोली घटना घटित हुई, घटना पूरी क्रिएटेड घटना थी। इसमें जो है रवि के हाथ से गोली चली और उसको ये था कि मामूली चोट लगी, कि 307 का आरोप जो है ऐसे 2 व्यक्तियों के ऊपर दर्ज कराना है जिन्होंने 2 मुकदमे इसके ऊपर कायम करा रखे थे। एक तो शैलेंद्र अवस्थी ने ब्रजेश पटेल नाम के व्यक्ति को गत वर्ष जो है बंद कमरे में रख के मारपीट की थी, जिसका मुकदमा कोतवाली में रजिस्टर है। इसके अलावा उसके विरुद्ध एक और मुकदमा राघवेंद्र और ब्रजेश पटेल ने कायम कराया था, जिसमें उसके साथ शैलेंद्र ने मारपीट की थी। इन दोनों मामलों के कारण इनके अंदर रंजिश का भाव था, इस कारण से घटना घटित थी कि उनके द्वारा एक क्रिएटेड घटना थी और इसको ये था कि किसी तरीके से इसको फंसा देना, और ये फंसाया गया। इसमें घटना में दोनों व्यक्ति निर्दोष हुए और बाकी इन लोगों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ अपराध होना पाया गया। इनके घर तलाशी ली गई तो 3 तरह के अग्निअस्त्र बरामद हुए, जिसमें 12 बोर की बंदूक है, 1 कट्टा और 1 छकड़ी जब्त हुई।